वेलकम टू अच्छे दिन। पारस कलनावत सीरियल अनुपमा के सबसे पॉपुलर स्टार कास्ट में से एक हैं, जहां आए दिन सीरियल में फोकस उन्हीं पर ही बना रहता है, इसलिए ऑडियंस भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। अनुपमा से पहले भी पारस ने कई सीरियल किए हैं, मगर अनुपमा में आने के बाद उन्होंने एक नई पहचान बना ली है, जो आज पूरे इंडिया में पॉपुलर हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको उनके लाइफस्टाइल और करियर से जुड़ी 10 ऐसी खासियत बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। नंबर 1, महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले पारस कलनावत एक ट्रेंड मॉडल, डांसर एवं एक्ट्रेस है। पारस की फैमिली के टेलीविजन इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं थे, मगर बचपन से ही फिटनेस, डांस और एक्टिंग में इंटरेस्ट होने की वजह से एक्टिंग पारस का ड्रीम बन गई, इसलिए टीनेज से ही उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए ट्रेंड किया गया। नंबर 2, बचपन से ही खूबसूरत 24 वर्षीय पारस का जन्म महाराष्ट्र के एक हिंदू फैमिली में हुआ, जिनके फादर एक बिजनेसमैन व फैमिली में मदर व इकलौती सिस्टर के ब्रदर। पारस ने नागपुर से स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन के दौरान बैरीजान एक्टिंग स्कूल मुंबई से प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद एक्टिंग को प्रोफेशन के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। नंबर 3, टीनेज से ही पारस ने रियलाइज किया कि एक एक्टर को एक्टिंग के साथ साथ डांस भी करना आना चाहिए, इसलिए पारस अपने डांस को लेकर बहुत पैशनेट रहे और उन्होंने टेरेंस लेविस डांस एकेडमी ज्वाइन कर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जो एक डांसर के तौर पर उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था, इसलिए पारस आज एक एक्टर के साथ साथ ट्रेंड डांसर भी है। नंबर 4, 20 वर्ष की उम्र से ही प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ मॉडलिंग स्टार्ट करने वाले पारस ने लैक्मे फैशन वीक इवेंट्स में रैंप वॉक एवं पीपल्स चॉइस अवार्ड, मैक्स इलाइट मॉडल्स लुक्स जैसे कंपटीशन में जीत दर्ज करने के बाद पॉपुलैरिटी गेन कर लाइमलाइट में आई, जो उनकी लाइफ का बिग ब्रेक साबित हुआ। नंबर 5, स्टार प्लस के सीरियल मेरी दुर्गा को देखने के बाद से ही पारस को कई सीरियल ऑफर हुए। सीरियल में उनके संजय प्रिंस अहलावत के रोल को इतना पसंद किया गया कि उन्हें मरियम खान रिपोर्टिंग लाइफ और ए जिंदगी जैसे टेलीविजन सीरीज में भी बेहद पसंद किया गया, मगर कलर टीवी की सीरीज कौन है और लाल लिस्ट ने उनकी लाइफ ही चेंज कर दी। उनके रोल को इतना पसंद किया गया कि पारस अब इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्रीज के मोस्ट इन डिमांड एक्टर्स में से एक बन गए, जिन्हें अब स्टार प्लस की सीरीज अनुपमा में समर शाह के कैरेक्टर में देख सकते हैं। नंबर 6, पारस को सीरियल अनुपमा से हग पॉपुलैरिटी मिली, जहां वह समर शाह के कैरेक्टर में नजर आई। अनुपमा एक बहुत ही शानदार सीरियल है और पारस की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। सीरियल में उनकी एक्टिंग को देखने के बाद लगने लगा पारस एक फ्यूचर स्टार एक्टर है और बहुत से फैंस आज भी उन्हें समर शाह के कैरेक्टर से जानते हैं। पारस अनुपमा में समर शाह के कैरेक्टर में कैसे लगे वो हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। नंबर 7, छोटे पर्दे पर हग पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद पारस की अपकमिंग म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, जहां उन्हें इस आजकल में फराज शेख का रोल करने के बाद वेब सीरीज दिल ही तो है में आप सब ने शिवम नून के कैरेक्टर में अनन्या के बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करते हुए देखा। इस सीरीज के बाद से ही पारस का करियर राइज पर है। नंबर 8, पारस सीरियल मेरी दुर्गा में आरती के कैरेक्टर में देखे जाने वाली टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद को डेट कर रहे हैं। सीरियल में दोनों बेस्ट फ्रेंड के रोल में नजर आए और वहीं से दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री, पसंद और नेचर भी काफी शानदार और सिमिलर नजर आती है। दोनों की रिलेशनशिप आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। नंबर 9, अपनी धार्मिक आस्था के चलते पारस भगवान गणेशा के बहुत बड़े भक्त हैं, जिन्हें वह सर्वोपरि मानते हैं। डेली गणेशा आरती करना उनका रूटीन लाइफ शेड्यूल है। नंबर 10, एडवेंचर फ्रीक पारस हाइट एंड वाटर फोबिया के शिकार है। जब भी वह अधिक ऊंचाई और बाढ़ जैसे हालात देखते हैं तो हाइट और पानी उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि आपको पारस की कौन सी खासियत सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा आप हमें न्यू वीडियोस के भी आइडिया दे सकते हैं। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स हमारे लिए एक वैल्यू ऐड करता है। तो फ्रेंड, दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अच्छे दिन चैनल को, हर उस इंटरटेनिंग स्टोरी के लिए जो आप जानना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।